in this section i will explain how capital asset pricing model can be used for developing a portfolio so when we follow the method of capm we will come up it is assumed that we will come up with a portfolio that can be termed as an efficient portfolio because it is based upon the assumptions that when we when we are deciding among, between, among different options that are available to an investor, they always go for that combination which will yield the highest possible return or reward at a certain given value of risk. So when an investor decides based upon the method defined by capital asset pricing model, they Take into account the strat strategy of passive investing strategy. That means that they will have to take into account the information regarding the index that represents the overall performance of the total market, aggregate market. They will have to take into account the values for the risk free returns as a standard and then by considering these two values as a benchmark they decide which particular investment security they should go for that will yield the highest reward given a certain level of risk so when we look at the portfolio selection procedure defined by capital asset pricing model it is suggested that firstly we need to टेक इन टू अकाउंट रिस्की एसेट्स सो आपके पास टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी अमाउंट है आप उसको कंसिडर करके रिस्की एसेट्स में कितने पैसे डालने हैं उनको आप अकाउंट फॉर करते हैं डाइवर्सिफिकेशन के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए और फिर आप डिसाइड करते हैं कि रिस्क फ्री एसेट में कितने पैसे डालने हैं इन्वेस्ट करने हैं आप उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को अकाउंट फॉर करते हैं कि उसके ऊपर आपका रिटर्न कैसे है कैसा है ओवरऑल जो आपकी मार्केट पोर्टफोलियो है दिस इज हाउ यू कैन यू आर गोइंग टू फॉर्म दैट सो फॉर डूइंग दैट पीपल ऑलवेज गो फॉर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैनेज पोर्टफोलियो नाउ वॉट इज मैंट बाय मैनेज पोर्टफोलियो मैनेज पोर्टफोलियो कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो है जिसको इन्वेस्टमेंट के जो एक्सपर्ट्स हैं जो कि आपको ये पूरा एनालिसिस करके देने वाले हैं वो एज अ स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं या एज अ बेंच मार्क फॉलो करते हैं सो इट इज़ एसेंशियल बिकॉज इट इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ पैसिंग इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी और वहाँ वो कह रहे हैं कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है उसमें आप एक बेंच मार्क को अकाउंट फॉर करेंगे टू हैव एन आइडिया कि ओवरऑल आपका जो मार्केट है वो किस तरह से परफॉर्म करा है उसका ओवरऑल जो एवरेज रिटर्न है वो कितना है अगर आप रिस्क लेते हैं तो क्या इजाफी रिस्क प्रीमियम आपको लेना चाहिए आप अगर रिस्क नहीं लेना चाह रहे तो फिर मिनिमम जो रिटर्न है रिस्क फ्री रिटर्न जिसको हम बोल रहे हैं वो क्या होगा सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट आर टू बी कंसिडर्ड वेन वी आर गोइंग फॉर कैपेम टू डिसाइड फॉर आस के हमारा जो पोर्टफोलियो है उसकी सिलेक्शन कैसे होगी नाउ आई एम गो टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट यूजिंग एन एग्जाम्पल सपोज आपके पास वन मिलियन डॉलर है इन्वेस्टमेंट के लिए और आपके पास तीन तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें आप अपने इस वन मिलियन को इन्वेस्ट कर सकते हैं फर्स्ट यू हैव सम स्टॉक्स इन विच यू कैन इन्वेस्ट फिर आपके पास बॉन्ड्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और तीसरा आपके पास एक रिस्क फ्री एसेट है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं सो टुगेदर यू हैव गॉट थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स जिनके अंदर आपने अपनी ये वन मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करना है नाउ इफ़ वी एस्यूम के हमारे जो स्टॉक्स हैं और बॉन्ड्स की जो मार्केट वैल्यू टोटल मार्केट में अवेलेबल है वो सिक्सटी परसेंट और फोर्टी परसेंट की रेशो या तनासब के साथ है तो जब हम कैपम को फॉलो हैं तो वहाँ ये समशन लगाया हुआ था कि जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से पर पोर्स में डिवाइड हो रहे हैं डिफरेंट फाइनेंशियल एसेट्स जिनमें आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं टोटल मार्केट में आपके पोर्टफोलियो में भी वही रेशो फॉलो होगी तो अगर स्टॉक्स हैं मार्केट में अवेलेबल और की वैल्यू टोटल मार्केट के अंदर जो स्टॉक्स hmm, हैं वो सिक्सटी परसेंट टोटल वैल्यू फॉर्म कर रहे हैं और रिमेनिंग फोर्टी परसेंट बॉन्ड्स की वैल्यू है तो जो आपका पोर्टफोलियो बनेगा कैपेम की मेथड को फॉलो करने से उस पोर्टफोलियो की कॉम्पोजिशन भी सिक्सटी फोर्टी के हिसाब से चलेगी यानी कि आपके पोर्टफोलियो में भी स्टॉक्स सिक्सटी परसेंट होंगे और बॉन्ड्स फोर्टी परसेंट होंगे तो यही रेशो हम वहाँ भी फॉलो करेंगे नाउ द प्रोसेस इज दैट जो इन्वेस्टर्स हैं वो खुद तो नहीं रहे जो एक्सपर्ट्स हैं आपके लिए जो डिसीजन मेकिंग करते हैं वॉट दे डू इज दे विल कंपेयर द रेट ऑफ रिटर्न दैट विल बी दैट कैन बी अर्नड ऑन द मैनेज पोर्टफोलियो सो अभी मैंने मैनेज पोर्टफोलियो के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था मैनेज पोर्टफोलियो आपका कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड है या बेंचमार्क है जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हो कि के एस सी वन हंड्रेड इंडेक्स जो uh, कराची स्टॉक एक्सचेंज बना uh, के जो वैल्यूज जिन जिन फाइनेंशियल uh, uh, जो स्टॉक्स हैं उनको अकाउंट फॉर करके बनाया जाता है डिफरेंट वेट्स को अकाउंट फॉर करके बनाया जाता है हम उस पर्टिकुलर चीज को उसके वैल्यूज़ को एज अ स्टैंडर्ड समझ रहे हैं सो दैट इज़ टर्म्ड एज अ मैनेज पोर्टफोलियो सो आपने वो इन्फॉर्मेशन को लेना है एज अ स्टैंडर्ड और आप कोई भी एक सर्टन स्टॉक को या सिक्योरिटी के रिटर्न को के एक्सपेक्टेड रिटर्न को इस पर्टिकुलर मैनेज पोर्टफोलियो के एक्सपेक्टेड रिटर्न से कंपेयर करते हैं ये कंपेयर करना ज़रूरी है क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा जो सिक्योरिटी में अगर हम सर्टन सिक्योरिटी में पैसे डालना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल लक्की सीमेंट में पैसे डालना चाहते हैं उससे जो रिटर्न आ रही है वो रिटर्न मार्केट जो टोटल आपको रिटर्न दे रही है इससे बेहतर है उसके जैसी है या उससे कम है तो हमें एक मैनेज पोर्टफोलियो को डिसाइड करना पड़ता है नाउ

जिस तनासुब से मार्केट वैल्यू डिफाइन हुई हुई है पूरी मार्केट में जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था वंस यू हैव कंसिडर द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द थ्री थिंग्स मैंने आपको तीन चीजें बोली हैं एक आपके मैनेज पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दूसरा आपका रिस्क फ्री जो जो भी आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लिया हुआ है जैसे ट्रेजरी बिल है उसकी रेट ऑफ रिटर्न और तीसरी आपने जिस स्पेसिफिक स्टॉक्स के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ये तीनों चीज़ों को आपने कंपेयर करना है साथ में आपने एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेनी है एंड दैट इज़ द वलेटिलिटी यानी कि उसका जो रिस्क वाला मायर है वोलेटिलिटी का मतलब है स्टैंडर्ड डिविएशंस को अकाउंट फॉर करेंगे आप द वलेटिलिटी ऑफ द मैनेज पोर्टफोलियो विल बी कंसिडर्ड एंड दैट विल बी कंप्यूटेड फॉर द सेम पीरियड जिसके लिए आप अपनी पर्टिकुलर जो भी स्पेसिफिक सिक्योरिटीज़ हैं उनकी आपने डेटा लिया है रेट ऑफ रिटर्न का उनकी वॉलिटिलिटी को आप अकाउंट फॉर करेंगे नाउ द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न विल बी एस्टिमेटेड आपने रेट ऑफ रिटर्न ले लिए फिर आप एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करेंगे एंड दैट एवरेज रेट ऑफ रिटर्न विल बी कंपेयर्ड विद द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द मैनेज पोर्टफोलियो जो आपका स्टैंडर्ड है उसके रेट ऑफ रिटर्न से आपने इस एवरेज रेट ऑफ रिटर्न को कंपेयर करना है और हमेशा आपकी जो सिर्फ आप तभी इन्वेस्ट कर, इन्वेस्ट करेंगे कोई भी कॉम्बिनेशन में या पोर्टफोलियो के अंदर जब आपकी एवरेज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम दैट सिक्योरिटीज मैच करी होगी आपके मैनेज पोर्टफोलियो के एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से अगर वो उससे कम होगी तो आप ऐसे कॉम्बिनेशन में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे सो मैनेज पोर्टफोलियो इज बेसिकली द बेंचमार्क पोर्टफोलियो विच यू आर यूजिंग एज अ रेफरेंस टू डिसाइड वेदर और नॉट यू आर गोइंग टू इनवेस्ट इन द पोर्टफोलियो ऑफ योर चॉइस जिसमें आपने इन्वेस्ट करना चाह रहे हो वो वाले कॉम्बिनेशन में आप इन्वेस्ट करोगे या नहीं करोगे इसको कंपेयर करना है आपने बेंच मार्क पोर्टफोलियो से या जिसको हम अभी इस डिस्कशन में मैनेज पोर्टफोलियो बोल रहे हैं